से संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है शुरू। संसद के विशेष सत्र में 8 बिल लाने की तैयारी। 20 से 22 सितंबर तक 8 बिलों पर चर्चा होना संभव है। तो आज संसदीय इतिहास के 75 वर्ष पर संसद में चर्चा होगी। कल से नए संसद भवन में चलेगी कार्यवाही। बड़ी खबर आपको बता दें, विशेष सत्र का आगाज आज से होने जा रहा है। संसद के विशेष सत्र में 8 बिल लाने की तैयारी की गई है और आज जो पहला दिन रहेगा पुराने संसद भवन में ही कार्यवाही होगी और संसद के कई सालों के इतिहास पर चर्चा होगी। तो 75 वर्ष पर आज चर्चा होगी। तो संसद के विशेष सत्र को लेकर जानकारी मिल रही है कि कई महत्वपूर्ण बिलों पर सरकार इसे लेकर आएगी, मोहर लगाएगी सरकार इन बिलों को लेकर। ये भी कयास विपक्ष लगा रहा है कि चूंकि ये सरकार का इतिहास रहा है कि कई सरप्राइज देश को मिले हैं जब इस तरीके की गतिविधियां होती हैं, तो अब ऐसे में विपक्ष इस तरीके से आशंका जाहिर कर रहा है कि इस विशेष सत्र के पीछे सरकार की मंशा क्या है। जो कुछ भी उनका डिमांड था, रिक्वेस्ट था, हमने सब कल ऑल पार्टी मीटिंग में क्लियर कर दिया है। आप और नया लाएंगे, ला सकते हैं। इमेजिनेशन के लिए मैं कैसा उत्तर दूँ? कोई भी सरकार और कोई भी व्यक्ति, आप इमेजिन करते ही जाओ, हम उत्तर देते रहे कैसे होगा। हमने तो हमारा जो एजेंडा है हमने बताया है, और आगे आएगा क्या, आगे का और परसों क्या आएगा, और परसों क्या आएगा, ये तो हम कैसे बोल सकते हैं। तो आज के दिन में हमारा एजेंडा जो है हमने क्लियर कर दिया है। आज तो मैं इतना ही कल भी निवेदन किया हूँ और आपके माध्यम से आज भी निवेदन करता हूँ। आज जो 75 इयर्स का संविधान सभा से लेके आज तक हमारा अनुभव, सीख, ये सब के बारे में आज चर्चा है। तो मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने विपक्ष के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस पर हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने अपनी तरफ से कौन कौन से बिल जारी होने हैं, किस तरह की कार्रवाई रहेगी, इसे लेकर ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए। राजीव, मंत्री प्रहलाद जोशी को हम सुन रहे थे जिसमें वो ये कह रहे थे कि विपक्ष भले ही कुछ भी बोले लेकिन सरकार का जो प्लान है वो सबके सामने है, लेकिन अभी भी सरप्राइज को लेकर विपक्ष और देश कहीं ना कहीं इस पशुपेश में है कि इस विशेष सत्र में विशेष क्या होगा। बिल्कुल, देखिए प्रहलाद जोशी का जो बयान आया है इसी में सस्पेंस छुपा हुआ है। प्रहलाद जोशी खुद कह रहे हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसके बारे में हम कैसे बताएं। मतलब साफ है कि सरकार ने अपना एजेंडा तो क्लियर कर दिया है। जो लोकसभा का बुलेटिन जारी हुआ है उसमें तो बताया गया कि 4 बिल पेश किए जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे बिल हैं, मुद्दे हैं जिसको सरकार छुपा रही है, जैसा कि विपक्ष के नेता बता रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिसके बारे में सरकार जानकारी नहीं दे रही है और लोग जानना चाहते हैं। फिलहाल अगर आज की बात की जाए तो देखिए, आज से विशेष सत्र शुरू हो रहा है जो 22 सितंबर तक चलेगा। 5 बैठकें इसमें होंगी और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पुराने जो संसद भवन है उसमें आखिरी दिन है और आज जो है जो 75 साल की संसदीय यात्रा रही है, जो अनुभव रहा है किस नेता ने कब क्या कुछ देश के लिए किया, इन तमाम महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा की जाएगी और कल संसद जो है नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगा और तमाम महत्वपूर्ण जो बिल हैं और तमाम जो उम्मीद जताई जा रही है उन बिलों को जो है सरकार पेश करेगी। क्या कुछ कल के बाद होता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आज का भी दिन ऐतिहासिक ही माना जाएगा क्योंकि आज का दिन जो है पुराने संसद भवन का आखिरी दिन है और आज लगातार आज़ादी के बाद जो संसदीय यात्रा रही है, चाहे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आज पहला दिन है विशेष सत्र का और संसद के 75 साल का जो कार्यकाल रहा पुरानी संसद का उसको लेकर चर्चा होगी। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक महत्वपूर्ण मीटिंग लेने वाले हैं। 10:30 बजे अपने चेंबर में वो ये मीटिंग लेंगे। इस मीटिंग के पीछे क्या एजेंडा, क्या जानकारी मिल पा रही है?
बिल्कुल देखिए, यह जो है सरकार की अपनी रणनीति होती है। प्रधानमंत्री जब भी पार्लियामेंट चलता है, इसके पहले भी जो सत्र चला आपने देखा होगा कि तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे प्रधानमंत्री अपने चैम्बर में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ बैठक करते हैं कि क्या कुछ एजेंडा रहेगा, कैसे विपक्ष के जो तमाम नेता तमाम मुद्दों को लेकर आक्रामक हैं उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे, चूंकि जो देखिए जब संसदीय जो कार्यवाही चलती है तो उस दौरान बहुत से ऐसे एजेंडे होते हैं विपक्ष उठाता है जिनको अंदर खाने मैनेज भी किया जाता है। तो अभी जो 5 दिन का बैठक है इसको लेकर के सरकार पूरी तैयारी में यही है, अपने मंत्रियों से या संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी अर्जुन राम मेघवाल से कहा गया है कि इसको सुचारू रूप से चलाया जाए, इसको लेकर आप लोग विपक्ष के नेताओं के संपर्क में रहिए, क्योंकि यह जो 5 दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक निर्णय लेने की तैयारी में सरकार है, वो क्या कुछ हो सकता है यही विपक्ष भी जानना चाहता है। फिलहाल अगर बात किया जाए तो 13 सितंबर को एक बुलेटिन जारी किया गया था लोकसभा का, जिसमें 4 मुद्दे बताए गए थे, लेकिन विपक्ष का अभी भी यही कहना है कि जो मुद्दा है उस मुद्दे के बारे में जानकारी सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार अचानक बिल पेश करती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला ले लीजिए या 3 तलाक का मामला ले लीजिए, इसी तरह से अचानक जो है बिल पेश किया जाता है और उसको पास करा लिया जाता है सरकार की तरफ से, तो इस बात को विपक्ष के नेता कह रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि यह 5 दिन क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिलहाल आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज का दिन यही है कि आज जो संसदीय यात्रा रही है 75 साल की, जो अनुभव रहा है नेताओं का, जिन नेताओं ने देश के लिए कुछ किया, तमाम चीज़ें डेवलपमेंट के हुए हैं, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा की जाएगी, क्योंकि आज संसद पुराने संसद भवन का आखिरी दिन है और पुराने संसद भवन आज ठीक है। यहाँ पर सरकार क्या सरप्राइज दे सकती है इस विशेष सत्र में, सरकार क्या विशेष लेकर आ सकती है, इस बारे में तो चर्चाएं हो ही रही हैं। और देखिए ये तभी सामने आएगा जब सरकार चाहेगी और जब अपनी मर्जी से बताएगी, तो विपक्ष या फिर कोई और कितने भी कयास लगाए, लेकिन चूंकि यही मोदी सरकार की खासियत रही है कि सरप्राइज देश को हमेशा दिया है, तो इस विशेष सत्र में भी हो सकता है कोई सरप्राइज देश को मिल जाए, कोई बिल सरकार महत्वपूर्ण बिल ले आए। ठीक है राजीव, अगर मैं आज की बात करूं तो आज देखिए पुरानी संसद में एक तरीके से कार्रवाई का आखिरी दिन इसे माना जाए और कल नई संसद में कार्रवाई शुरू होगी विशेष सत्र की। आज का जो दिन रहेगा, 75 वर्ष जो देश की संसद चली, इस पर मंथन होगा, कौन कौन से नेता अपना संबोधन रखेंगे, अपनी बात करेंगे, क्या जानकारी इसे लेकर मिल पा रही है? बिल्कुल देखिए, इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी है, और जो संसदीय कार्य रहा है, चाहे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर के और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ पुराने संसद भवन में, क्या वो ऐतिहासिक पल रहे, इन पर तमाम जो नेता हैं पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ से नेता जो है रखेंगे, अपने अपने चर्चा करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए या कांग्रेस के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कीजिए, उनका भी लंबा संसदीय कार्य रहा है, सोनिया गांधी का रहा है, हालांकि सोनिया गांधी अस्वस्थ होने की वजह से अब पार्लियामेंट में कम बोलती हैं। तमाम ऐसे विपक्ष के बड़े नेता हैं जो बोलने की तैयारी में हैं, प्रमोद तिवारी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, तो इन लोगों को सुनना होगा। फिलहाल अभी अर्जुन राम मेघवाल जब अपने घर से निकल रहे थे पार्लियामेंट के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सभी नेता अपने अपने हिसाब से जो अनुभव उनका रहा है पुराने संसद का वो उसके बारे में जानकारी देंगे, तो आज का दिन ऐतिहासिक ही कहा जाएगा, क्योंकि कल जो है संसद नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगा। और जहां तक देखिए एजेंडे की बात है, जो हिडन एजेंडा बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, कुछ ऐसे मामले हैं, एक मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बिल बहुत महत्वपूर्ण है, कल जब सर्वदलीय बैठक हुई तो सभी दल ये चाहते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, महिला आरक्षण बिल को इस विशेष सत्र में पास कराया जाए, इस पर सबकी सहमति बनती नजर आ रही है। अगर यह पास हो जाता है महिला आरक्षण बिल, तो यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय होगा इस सरकार का, और कहा जा सकता है कि नए संसद भवन का यह पहला और महत्वपूर्ण बिल होगा जो पास होगा। जी तो, बिल्कुल तो भी देश की आधी आबादी को एक बड़ी सौगात होगी अगर महिला आरक्षण बिल लाती है सरकार और ये पारित हो जाता है। और इस पर तो देखिए ना सरकार की तरफ से कोई परेशानी, और विपक्ष ने भी इस बिल को लेकर अपनी इच्छा जो है जाहिर करी है कि महिला आरक्षण बिल लाना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा बिल सरकार लेकर आती है, क्योंकि अब ये विशेष सत्र अगर बुलाया है मोदी सरकार ने, तो कुछ ना कुछ जाहिर तौर पर विशेष जरूर देखने को मिल सकता है। शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज पहला दिन और पुरानी संसद में आज होगी कार्रवाई, 75 वर्ष इस संसद के किस तरीके से रहे, क्या क्या कार्य हुए, किस तरह का कार्यकाल अलग अलग सरकारों का रहा, इसे लेकर नेता जो है अपनी बात रखेंगे। चलिए आप सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय से। यही अनुरोध करूंगा कि 75 वर्षों में भारत का जो इतिहास रहा है
जो परंपरा रही है, सदन की जो कार्रवाई रही है और जिसमें हमारे महापुरुषों ने हिस्सा लिया है, देश के लिए बड़े बड़े बिल, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी नीतियां पास की हैं, उनको अपनी स्मृतियों में रखिएगा। और आप नई संसद में नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों को एक साथ लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने की आप सार्थक कोशिश करें, मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहूंगा। अब देखिए, जिस तरह से फोटो खिंचाने की बात कही गई तो ये तो ऐसा ही लग रहा है कि अब शायद इसके बाद सांसदों का मिलना ना हो, इसलिए कह दिया गया कि भाई सब लोग फोटो खिंचा लीजिए और इसके बाद आने की जरूरत नहीं, ऐसी आशंका है। क्योंकि सरकार तो कुछ बता नहीं रही है, जब कुछ बता नहीं रही है तो जो मन में आशंका है वही व्यक्त कर सकते हैं आपके सामने। हाँ, एक बात जरूर, जो चुनाव आयोग का सिलेक्शन प्रोसेस जो चेंज करने की कोशिश है इनकी, उसका सभी ने एक मत से विरोध किया है, सब ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जब अगर सरकार ऐसी कोशिश करेगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। कल सारे विपक्षी पार्टियों ने, यहाँ तक कि RLP और LJP ने भी ये कहा कि भाई इन दोनों सांसदों की सदस्यता बहाल की जाए। एक सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था, आपने उसको और एक्सटेंड कर दिया। और जब आप नई संसद में नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो बड़े मन से कीजिए और हम लोगों का सस्पेंशन बहाल हो, हम भी इस ऐतिहासिक क्षण के भागीदार हो सके। मैं तो सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि वो शायद देखिए, उन्होंने अपनी ओर से कोई आश्वासन मीटिंग में नहीं दिया और यही कहा कि 8 जो मुद्दे आएंगे वो आपको जब हाउस का बिजनेस जिस दिन शुरू होगा उसके पहले बता दिया जाएगा। आपने सुना आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को, जिन्होंने नए संसदीय भवन को लेकर शुभकामनाएं तो दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस विशेष सत्र में कुछ भी हो सकता है। क्या विशेष रहेगा अभी इस बारे में सरकार बता नहीं रही है, सभी लोग आशंकाएं लगा रहे हैं और हम भी आशंका ही लगा रहे हैं। संजय सिंह ने अपने, चूंकि उन्हें पिछले कार्यकाल में संसद की कार्रवाई से सस्पेंड कर दिया गया था, तो इस पर उन्होंने कहा है कि उसके बाद संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से प्रहलाद जोशी जी ने आप सबको बताया कि आज जो 75 साल की जर्नी है पार्लियामेंट की, संविधान सभा से लेकर अब तक की, उसके बारे में चर्चा होगी और पूरे दिन चर्चा होगी, तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। और ये जो हमारा संसद भवन है जिसे हम अब तक बैठते आए हैं, उसमें ऐसी चर्चा मुझे लगता है आखिरी चर्चा ही है। उसके बाद 19 तारीख को नए संसद भवन में प्रवेश का विषय भी उन्होंने बताया है, तो आज की तो चर्चा पे आनंद लीजिए। और मीडिया ने भी संसद की यात्रा में बड़ा योगदान दिया है। मैं सोच रहा था कि आज मैंने देखा है कि कई मीडिया के लोगों को भी दिखाया। हम बताएंगे चर्चा के दौरान। आपने सुना कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को, जो ये बता रहे थे कि आज चूंकि इस तरीके की चर्चा पुराने संसद भवन में ये शायद आखिरी बार हो रही है, क्योंकि फिर नए संसद भवन में कार्रवाई होगी, नए संसद भवन में सभी शिफ्ट हो जाएंगे, तो आज पुराने संसद भवन में नेता उन यादों को ताज़ा करेंगे। देश के 75 साल में नए संसद भवन में जिस तरीके से देश के विकास की कई कहानियाँ लिखी गई हैं, आज उन्हीं पर चर्चा की जाएगी, उन्हीं को याद किया जाएगा। तो आपने मंत्री प्रहलाद जोशी को भी सुना, आपने अर्जुन राम मेघवाल को सुना, संजय सिंह को सुना। एक तरफ सत्ता पक्ष के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि इस विशेष सत्र में क्या एजेंडा और क्या ब्लूप्रिंट है सरकार का, ये सरकार अपनी तरफ से पहले ही बता चुकी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने साफ कहा कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस बारे में विपक्ष भली आशंका लगाए लेकिन सरकार की तरफ से ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है। कई बिल जिन्हें सरकार पारित करेगी इस विशेष सत्र में, आज से ये विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन चारों तरफ से आशंका यही जाहिर की जा रही है कि कोई ना कोई बड़ा सरप्राइज सरकार देश को इस विशेष सत्र के माध्यम से दे सकती है।
20 से 22 सितंबर तक 8 बिलों पर चर्चा, और इसी के साथ ही जानकारी आज के दिन के लिए ये है कि जब संसदीय कार्रवाई I don't know whether it will be officially tabled ultimately or not, but it is certainly a point of major dispute. So what is the India bloc meeting today for at 10 o'clock? What is the strategy? Strategy for coming 5 days, our activities, the way how we can move unitedly, floor coordination and floor matters can be moved we all together. Dada, Hindi mein, Dada, aap log naye kal parliament building mein chale jayenge.